आपसे आपको देखकर सवाल पूछूं, प्रताप सिम्हा और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन कब लेगी सरकार? प्रताप कब लेंगे पर क्या उनके खिलाफ एक्शन? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रताप सिम्हा ने जो उनको कार्ड इशू किए, एंट्री के कार्ड, जलेबी जांच का, जलेबी नहीं, वो सदन के पटल पर हुई कार्रवाई नहीं है, वो बाहर की कार्रवाई है, इसलिए उसकी जांच एजेंसी जांच करेगी। अच्छा बात नहीं है। निलंबन क्यों नहीं हुआ तुरंत भाई? निलंबन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला तुरंत? बात सही है, उसको सामने लाना चाहिए, जिस एमपी ने उसके साइन करें उसकी जिम्मेदारी बैठ 100% बनती है। क्या बात है सर? तो क्या आप मिमिक्री करना वाइस प्रेसिडेंट की या फिर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को रोकना ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। कोई किसी की भी मिमिक्री कर सकता है, किसी का भी मजाक उड़ा सकता है, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सबके लिए, परंतु तो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की मिमिक्री नहीं की जा सकती। मगर क्यों? पता है तथ्य, मुद्दा क्या था निलंबन या मिमिक्री? मैं जानना चाहती हूँ सिर्फ इस दंगे, मुद्दा क्या था निलंबन या मिमिक्री ये बताइए। हमको कुछ नहीं पता, 150 लोगों का निलंबन करके चले सदन चलाने, आप कायर हैं, आप गजब बेइज्जती है। कल रजौरी में हमला हुआ, अभी तक 163 सिक्योरिटी पर्सनल की 2 साल में हत्या हुई है, एक संवेदना और श्रद्धांजलि का शब्द नहीं दिखा प्रधानमंत्री की ओर से या गृह मंत्री की ओर से। प्रधानमंत्री ने नई प्रथा आजमाई है, अब कश्मीर में अगर आतंकवादी हमले में हमारे जवानों की, हमारे ऑफिसर्स की शहादत होती है तो प्रधानमंत्री एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं लिखते हैं। अगस्त 2021 से यह नया ट्रेंड है, क्यों है इसका जवाब दे सकते हैं आप? नहीं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर वहां का एमपी कहता है, फॉरेन मिनिस्टर का नाम लेके शाम में बैठे थे और आर्मी चीफ के पास आ रहे थे और आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस करो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये होती है श्रद्धांजलि, आप बुलाने वाले आप करेंगे आतंकवाद पे बात, चुप रहिए आप। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, सिर्फ एक मिनट बचा टाइम नहीं है मेरे पास। पाकिस्तान की चिल्ला चिल्ली में जनता ने जो समझा था प्लीज हट जाइए। बुलाई किताबें पठानकोट में, एएसआई किसने बुलाई, लाहौर लपका हुआ कौन गया, आजाद जाति को किसने पेट बनाया, ये तो धोती खोल रहा है, मसूद अजहर को किसने छोड़ा, मुंह मत खुलवाने लगिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।